रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े भीषण युद्ध ने पूरे देश को तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर दिया है और देश ही नहीं पूरी दुनिया को। इस लड़ाई की वजह से यूक्रेन में पढ़ने वाले मेडिकल भारतीय छात्रों के जीवन पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। फतेहपुर जिले के 4 छात्र यूक्रेन से MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं जो वहाँ के 2 अलग अलग शहरों में फंसे हुए हैं। यूक्रेन में फंसे फतेहपुर के छात्रों ने बताया कि यूक्रेन सरकार ने बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी है। कई दिनों से कोशिश के बाद शुक्रवार की फ्लाइट मिली थी, अचानक युद्ध के हालात हो जाने से फ्लाइट कैंसिल हो गई। वहीं यूक्रेन में फंसे छात्रों के परिजन लगातार भारत सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि भारत सरकार यूक्रेन में फंसे सभी भारतीयों को सकुशल भारत ले आए। पर दहशत का माहौल पूरी तरह से व्याप्त है। हाँ हाँ, दहशत का माहौल तो बना हुआ है, कभी भी जैसे आ जा रहा है। क्या बमबारी अभी भी जारी है? कहीं कहीं पर अभी कंफर्म न्यूज तो नहीं है, हमें पता नहीं क्योंकि हम लोग खुद ही अंडरग्राउंड है, ज्यादा इसमें न्यूज पे आ नहीं रहा, बाहर निकलने नहीं दिया रहा। और मोटर हर आधे घंटे घंटे में बज रहे हैं और ऐसा खबर आई कि हाँ आसपास में कहीं तो गिरा है और बाकी तो खारकीब में लगातार एयर स्ट्राइक हो रही है वहाँ पर। अच्छा अच्छा अच्छा, वहाँ पर लोग तो बंगल से ही बाहर नहीं निकल रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, आपके पिताजी बता रहे थे कि वहाँ पर लाइट और पानी काट दिया जा रहा है। नहीं नहीं, अभी नहीं कहा गया है कि कट सकता है किसी भी टाइम पे अगर ज्यादा हमला हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी काटा नहीं गया है। अभी काटा नहीं गया, अभी गैस पानी लाइट। तो यूक्रेन गवर्नमेंट ने अभी आप लोगों को भारत पहुंचाने के लिए कोई ठोस कदम उठाया या आप तक कोई जानकारी पहुंचाई गई? अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया भारत सरकार ने, बस खाली बोल रहे हैं कि हाँ आ जाएंगे। अभी तक सब खाली बातें कर रहे हैं, बाकी तो नहीं। यूक्रेन सरकार ने क्या कदम उठाया? नहीं, यूक्रेन सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया, उन्होंने बस कहा है कि बंकर में जाके आप लोग बैठ जाए बस। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं आप लोगों ने जो अपील किया है वो भारत सरकार की तरफ से कोई अभी प्रतिक्रिया नहीं पहुंची है आप तक? अभी तो कोई नहीं पहुंची। अच्छा अच्छा, कितने दिनों से वहां पर गोलीबारी बमबारी जारी है? अब ये कल से। अच्छा, कल से जारी है। कल से किसी को भी बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है? नहीं, बाहर जहाँ जहाँ बमबारी हो गई है वहाँ पर, जहाँ जो सेटेलाइट वहाँ पर सबको बंकर के लिए बोल दिया गया, और जिन जिन सिटियों नहीं अभी सेफ है, जहाँ पर नहीं गिरा वहाँ पर उनको बोला गया, वहाँ पर हूटर चला दिए गए, जैसे ही हूटर बजे आप अंडरग्राउंड हो जाइए, बेसमेंट में चले जाइए। अच्छा, बेसमेंट में चले जाइए। इस समय कहाँ पे यूक्रेन में कहाँ पे आप हैं इस समय मौजूदा हालत पे? यूक्रेन सिटी विनिस्या जी। क्या हॉस्टल में हैं या फिर आप रेंट पे हैं, रेंट के रूम में हैं या कोई? अच्छा, अपार्टमेंट में हैं। अच्छा, आपने स्वतः ले रखा है या फिर कॉलेज की तरफ से व्यवस्था की गई या फिर सरकार की तरफ से व्यवस्था की गई है? आपने आप जहाँ पे मौजूद हैं वहाँ पर आपको गवर्नमेंट की तरफ से शिफ्ट किया गया है या फिर आपने अपनी तरफ से वहाँ पे व्यवस्था किया है? हम अपनी तरफ से व्यवस्था किए गवर्नमेंट। अच्छा, यूक्रेन सरकार की कोई मतलब कोई पहल नहीं की गई है आप लोगों को सुरक्षित रखने की या फिर भारत तक पहुँचाने की? नहीं, कुछ नहीं। वो यहाँ पर पहले से ही इस बेसिस पे अपार्टमेंट बनते हैं कि हर जगह ये लोग ने खुद बहुत पहले से ही बंकर बना रखे। अच्छा, तो नहीं उसी में जाके कह रहे हैं कि आप छुप जाइए या फिर उसी के अंदर रह जाइए, निकलिए मत। और कई जगह तो यहाँ पर क्या कहते हैं केमिकल फैक्ट्रीज भी हैं, वहाँ पर सैन मिसाइल गिरा दी गई है, ऐसा लोग बता रहे हैं, तो कह रहे हैं निकले तो बाहर मास्क लगा के निकले। अच्छा अच्छा, तो वहाँ पर जो भी भर्ती MBBS ज़्यादातर स्टूडेंट हैं, तो क्या उन लोगों ने यूक्रेन सरकार से कोई मांग नहीं की है कि हमको सुरक्षित वहाँ भेज दिया जाए? नहीं, ट्विटर पे खूब ट्वीट हुआ है। अच्छा, ट्विटर के माध्यम से ट्वीट हुआ है। ये जो यहाँ का दूतावास है, मेन तो यहाँ का दूतावास है जो क्या कहते हैं कीव में स्थित है। जी जी, उससे लगातार वो बच्चे बात पे बात, मैसेज पे मैसेज और कर रहे हैं कि हाँ हमें जल्द से जल्द ले जाया जाए। अच्छा, आपके साथ लगभग आपकी जानकारी